नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा नारायणा हॉस्पिटल गुड़गांव से बात कर रहा हूं। जैसे कि हमने पहले भाग में देखा कि स्पाइन क्या होता है, डिस्क की स्ट्रक्चर क्या होती है और कैसे क्या क्या कारण होते हैं कमर दर्द के, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या गलत धारणाएं हैं रेस्ट के बारे में, स्पाइन सर्जरी के बारे में। अभी हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, कौन सी स्थितियाँ होती हैं स्पाइन की जिसमें हमें स्पाइन सर्जरी करना पड़ता है। जैसे कि हमने स्पाइन की मूवमेंट के बारे में देखा कि डिस्क होती है, उसकी वजह से स्पाइन मूव करता है, ये नॉर्मल सिंक्रोनस मूवमेंट होता है। बट कुछ केसेस में स्पाइन एबनॉर्मल मूवमेंट करने लग जाता है, आगे पीछे या साइड में झुक जाता है, या उसमें पीछे के जो जॉइंट्स होते हैं फेसेट जॉइंट्स, वो आर्थराइटिक हो जाते हैं और अनस्टेबल हो जाते हैं। कुछ और सिचुएशंस होती हैं जैसे स्पाइन में ट्यूमर हो जाए, स्पाइन में चोट लगने से कोई फ्रैक्चर हो जाए, या कोई ऐसी इन्फेक्टिव पैथोलॉजी जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, काफ़ी कॉमन है। तो इन केसेस में जब स्पाइन की स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होती है तो उन केसेस में हमें सर्जरी करना पड़ता है। उसमें खाली दूरबीन से सर्जरी करने से, डिस्क की सर्जरी करने से वो ठीक नहीं होती है। तो सबसे कॉमन जो सर्जरी की जाती है उसको स्पाइन फ्यूजन सर्जरी बोलते हैं। स्पाइन फ्यूजन सर्जरी में क्या होता है, ये हमारे पास एक मॉडल है जिसमें हमने दिखाया है कि स्पाइन फ्यूजन सर्जरी में क्या करते हैं। स्पाइन फ्यूजन सर्जरी में टिपिकली 2 से लेके 20 स्क्रू तक हम फिक्स करते हैं, पेडिकल स्क्रू होते हैं, और साथ में जो जो नॉर्मल डिस्क होता है, जैसे आप ये वाइट कलर का देख रहे हैं, ये नॉर्मल डिस्क है। जब ये डिस्क ख़राब हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, उसकी वजह से डिस्क स्पेसर्स होते हैं जिसको कि केजेस बोलते हैं, उसके अंदर बोन ग्राफ्ट फिल करके हम उन केजेस को लगा देते हैं और पीछे से टाइटेनियम की रॉड्स होती है उसको फिक्स कर देते हैं। इसको स्पाइन फ्यूजन सर्जरी कहा जाता है। और सबसे फ़ायदा इसका क्या होता है कि पहले 20 साल पहले, 10 साल पहले जब इस तरह की सिचुएशंस होती थी इंस्टेबिलिटी की, उसमें स्पाइन सर्जरी करके पेशेंट को 3 से 6 महीने तक बेड पे लेटना पड़ता था और उसके अपने नुकसान होते थे, पेशेंट बिल्कुल भी खुश नहीं होता था सर्जरी से। बट अभी स्पाइन फ्यूजन सर्जरी करने के बाद पेशेंट को इमीडिएटली विद इन 2 डेज 1 डे हम पेशेंट को खड़ा कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि आजकल बड़े चीरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, छोटे छोटे कट से, दूरबीन से, मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के द्वारा और कंप्यूटर नेविगेशन की मदद से हम काफ़ी सेफली स्पाइन सर्जरी को कर सकते हैं। कुछ भी कहें, स्पाइन फ्यूजन सर्जरी स्पाइन को उतना मूवमेंट नहीं दे पाती है, स्पाइन फिक्स हो जाता है और पेशेंट का जो पाँव का दर्द है, नसों की दर्द है, वो ठीक हो जाता है। बट ओवरऑल उसका जो सेटिस्फेक्शन रेट है, कुछ सालों के बाद उसको लगता है कि मेरी स्पाइन स्टिफ हो गया है, स्पाइन में उतना मूवमेंट नहीं है, उतनी मोबिलिटी नहीं है। तो आजकल हम क्या करते हैं कि स्पाइन को मोबिलिटी देने के लिए, जिसे हम कहते हैं डायनेमिक स्पाइन सर्जरी और मोशन प्रिजर्वेशन सर्जरी और इंटरलैमिनर स्पेसर और डायनेसिस सर्जरी, जिसमें कि हम स्पाइन की इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए उसको स्टिफ तो बना देते हैं बट बिल्कुल फ्यूज या फिक्स नहीं करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो नॉर्मल मूवमेंट स्पाइन का होता है वो बरकरार रहता है, तो इसको डायनेमिक स्पाइन सर्जरी कहते हैं, जिसका कि पूरे भारत में मेरा जो नंबर ऑफ सर्जरीज है अहमदाबाद के ग्रुप के बाद मेरा सबसे ज़्यादा है। मैंने पिछले 5 सालों में डायनेमिक स्पाइन सर्जरी के केसेस काफ़ी ज़्यादा किए हैं सक्सेसफुली। उसमें करते क्या है कि आप जैसे इस मॉडल में देखेंगे कि ये स्पाइन का मूवमेंट हो रहा है, एक्सेसिव मूवमेंट, इसको कम करने के लिए हम एक स्पेसर लगाते हैं जिसको इंटरलैमिनर स्पेसर कहते हैं। इससे स्पाइन का जो है मूवमेंट कम हो जाता है बट बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, अगर पेशेंट आगे झुकेगा तो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर सकता है। दूसरा एक डायनेसिस सर्जरी होती है जिसमें कि हम जो टाइटेनियम रॉड्स आपने जैसे स्पाइन फ्यूजन सर्जरी में देखा था, उस टाइटेनियम रॉड की जगह फ्लेक्सिबल सिलिकॉन की रॉड्स होती हैं, जो कि अमेरिकन FDA अप्रूव्ड रॉड्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इसका चलन है, और उसमें पेशेंट का जो इंस्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है बट थोड़ा थोड़ा उसमें मूवमेंट अलाउ करते हैं। और जो सर्जरीज होती हैं जिसको हम दूरबीन से सर्जरी कहते हैं, ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, उस केसेज में भी हम मूवमेंट को या नॉर्मल स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि डिस्क का एक छोटा सा पीस है, ये निकला हुआ है और नर्व को दबा रहा है, तो ऐसे केसेज में हम एक नीडल डाल के यहाँ पर जाते हैं।
आधा मिलीमीटर आधा सेंटीमीटर कट से हम यहाँ पर एंडोस्कोप, जैसे गॉल ब्लैडर निकालने के लिए सर्जरी होता है, उतने ही एंडोस्कोप से हम इस सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हैं। ये लोकल एनेस्थीजिया में करते हैं और पेशेंट अगले दिन चल फिर सकता है। कुछ और जो एडवांसमेंट हैं वो है ट्यूब्स के द्वारा हम सर्जरी करते हैं। छोटा छोटा कट देके 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का कट देकर बड़े से बड़े डिस्क को भी हम निकाल सकते हैं और आर्टिफिशियल जो केस डालते हैं, फ्यूजन करते हैं, वो भी कर सकते हैं। थर्ड जो सर्जरी है मोशन प्रिजर्वेशन के लिए वो है डिस्क रिप्लेसमेंट। यहाँ आप देख रहे हैं कि सर्वाइकल स्पाइन का मॉडल है, इसमें दो प्लेट्स लगा के बीच में एक सिलिकॉन स्पेसर होता है जिससे सारी की सारी मूवमेंट, आगे झुकना गर्दन का, पीछे झुकना, साइड बेंडिंग, रोटेशन, सारी मूवमेंट बरकरार रहती है और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर सवाल आता है कि क्या ऐसी भी तकनीक है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम जितनी भी सर्जरी है मैंने आपको बताई है इसको अवॉइड कर सकते हैं। येस, इन सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स बाई गिविंग लेजर इंजेक्शंस, फैसेट ब्लॉक्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी इंजेक्शंस, पेन मैनेजमेंट के कुछ इंजेक्शंस होते हैं, सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक्स होता है, ये ओपीडी प्रोसीजर्स हैं। इसको हम करके कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में जिसमें सर्जरी काफ़ी इंडिकेटेड नहीं है या एज की वजह से या कोई कोमोर्बिडिटीज़ हैं, इतना पेशेंट का सिकनेस लेवल है कि उसमें हम सर्जरी अवॉइड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। दूसरा एक नीडल प्रोसीजर होता है काइफोप्लास्टी, जिसमें कि जब हड्डियाँ टूट जाती हैं, बोन फ्रैक्चर हो जाता है और पेशेंट चल फिर नहीं पाता, उस केसेज में हम नीडल के द्वारा बोन के अंदर सीमेंट का इंजेक्शन लगा देते हैं और पेशेंट को 3 से 6 महीने तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता हड्डी को जुड़ने का, बल्कि वो तुरंत ठीक होकर चलने फिरने लग जाता है। लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि स्पाइन सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन का क्या प्रोसीजर होता है और पेशेंट कैसे अपना नॉर्मल लाइफ को बरकरार कर सकते हैं। पहले जैसे हम करते थे ऑपरेशन तो उसमें काफ़ी बेड रेस्ट करना पड़ता था, अब वो बात नहीं है। इमीडिएटली विद इन 2 डेज पेशेंट स्टार्ट कर सकता है वॉक करना और 3 से 6 हफ्ते के दौरान 90% तक एक्टिविटी वो कर पाते हैं। कोई स्पोर्ट्स पीपल होते हैं जिसको मैचेस वगैरह खेलने पड़ते हैं, उसमें 3 से 6 महीने तक हम पूरा बॉडी की कंडीशनिंग करते हैं, मसल्स की एक्सरसाइजेस करते हैं और जब बिल्कुल कम्प्लीटली पेन फ्री होता है तो वो ये काम कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि स्पाइन सर्जरी की क्या इंडिकेशंस हैं, किस तरह की स्पाइन सर्जरी होती है और कैसे स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी को से हम अपने आप को बचा सकते हैं और अच्छी फिजियोथेरेपी से, रिहैबिलिटेशन से हम तुरंत काफ़ी जल्दी ही एक नॉर्मल लाइफ व्यस्त कर सकते हैं। लास्ट में एक मैं सबसे बड़ी टिप देना चाहूँगा, वो है अपना वज़न कम करने की। स्पाइन सर्जरी के जो कॉमन कारणों में से है ज़्यादा वज़न का होना, कम एक्सरसाइज करना, बैड पोस्चर रखना, ओवरऑल बैड लाइफस्टाइल रखना और स्मोकिंग करना, ये 5 चीज़ें अगर आप ध्यान में रख सकते हैं तो मेरा ये मानना है कि हम स्पाइन सर्जरी से कम्प्लीटली बच सकते हैं और कमर दर्द के दर्द से हम अपना बचाव कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग योर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू।